प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हमें यह बहुत कठिन लगती है। अब आपको अंग्रेजी भाषा कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि हमने आपकी पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद ठीक अंग्रेजी की प्रत्येक पंक्ति के नीचे कर दिया है। हमारा उद्देश्य आपकी कठिनाइयों को दूर कर इसे और अधिक सरल बनाना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश बुक क्लास फर्स्ट लेसन नंबर 10 वॉली ऑफ क्वेश्चंस का इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद बताने जा रहे हैं। वॉली ऑफ क्वेश्चंस प्रश्नों की बौछार या बहुत सारे प्रश्न पूछने के लिए बात हो रही है। फॉक्सेस Ask too many questions, लोमड़ बहुत सारे सवाल पूछते हैं। Questions में सवाल या प्रश्न। Too many, too mean भी, many mean अनेकों, कई। Ask mean पूछना। Foxes, लोमड़। Foxes ask too many questions. लोमड़ बहुत सारे सवाल पूछते हैं। This gets them into trouble. Trouble mean मुश्किल या कठिनाई। This gets them into trouble. इससे वे मुश्किल में पड़ जाते हैं या यह उन्हें मुश्किल में डाल देते हैं। One day a wild elephant was sharpening his tusks. Wild mean जंगली, elephant mean हाथी, was mean था थे थी, sharpening mean तीखा कर रहा, तेज कर रहा, पेना कर रहा। तसत में हाथी के दांत, लंबे लंबे जो होते हैं, बार दिखाई देते हैं, उसे तसत कहा जाता है। दो बड़े हाथी के दांत होते हैं जो बार दिखाई देते हैं। वन डे ए वाइल्ड एलिफेंट वाज शार्पनिंग हिज टसक्स। एक दिन एक जंगली हाथी अपने दांतों को तेज कर रहा था या तीखा कर रहा था या पेना कर रहा था। ही वॉज रबिंग देम ऑन ए ट्री ट्रंक। ही मीन वह, वाज मीन था थे थी, रबिंग मीन रगड़ रहा, देम मीन उन्हें, किसको, दांतों को। ऑन ए ट्री, ट्री मीन पेड़, ट्रंक, ट्रंक मीन पेड़ा या तना। एक पेड़ के तने पर रगड़ रहा था, वह उन्हें एक पेड़ के तने पर रगड़ रहा था। किसे रगड़ रहा था? अपने लंबे दांतों को। Just then, तभी a fox came there, तभी वहाँ एक लोमर आया या आ गया। Came in, आया या आ गया। There mean वहाँ। Just then a fox
कैंदिया तभी वहां एक लोमड़ आ गया। ओ डियर, ओह प्रिय, सेड द एलिफेंट, हाथी ने कहा, या हाथी बोला, दिस फॉक्स ऑलवेज आस्क्स टू मेनी क्वेश्चंस, यह लोमड़ हमेशा बहुत सारे सवाल पूछता है या प्रश्न पूछता है, टू मेनी बहुत सारे, दैट मेक्स मी वेरी एंग्री, दैट मीन जिससे, मी मीन मुझे, वेरी मीन बहुत, एंग्री मीन क्रोध या गुस्सा या नाराजगी, यहाँ पर गुस्सा या क्रोध दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आता है, दैट मेक्स मी वेरी एंग्री, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आता है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं या तुम क्या कर रहे हो, आस्कड द फॉक्स, लोमड़ ने पूछा, किसे पूछा, हाथी से, ही डिड नॉट इवन से गुड मॉर्निंग, उसने सुप्रभात या गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा। जब हम किसी से मिलते हैं तो उस समय गुड मॉर्निंग कहते हैं, या प्रातःकाल की नमस्कार या सुप्रभात ऐसा कहना चाहिए। तो उसने, किसने, लोमड़ ने यह बात भी हाथी को नहीं बोली। शार्पनी माई टस्क्स, सैड द एलिफेंट, मेरे दांतों को तेज कर रहा हूं, तीखा कर रहा हूं, हाथी ने कहा। अब लोमड़ फिर पूछ रहा है, व्हाई आर यू शार्पनिंग योर टस्क्स, आप अपने दांतों को क्यों तेज कर रहे हैं, क्यों तीखे कर रहे हो, क्यों पेने कर रहे हो, इस प्रकार हम तीनों तरह से बोल सकते हैं। लोमड़ ने पूछा, सो आई कैन थ्रो फूल्स इन टू द एयर, सेड द एंग्री एलिफेंट, सो मीन ताकि, इसलिए, आई कैन थ्रू, थ्रो मीन फेंकना, फेंक सकू, कैन मीन सकता सकू, इन टू द एयर, एयर मीन हवा या वायु, सो आई कैन थ्रो फूल्स इन टू द एयर, ताकि मैं मूर्खों को हवा में फेंक सकूं, सेड द एंग्री एलिफेंट, गुस्से में हाथी ने कहा, या क्रोध में हाथी ने कहा, हाउ ऑड, रिप्लाइड द फॉक्स, कितना अजीब है, कितना अनोखा है, आदमी अनोखा, अजीब, और जो चीज़ भिन्न होती है, अलग होती है, उसे भी ऑड कहते हैं। मैथ रिप्लाइड द फॉक्स, लोमड़ ने उत्तर दिया या जवाब, Why do you want to do that? तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? Want नहीं, चाहते हो, to do नहीं, करना। To stop them asking stupid questions, said the elephant. उन्हें बेवकूफ या मूर्ख भरे
सवाल पूछने से रोकने के लिए हाथी ने कहा। इसलिए तीखा कर रहा हूं कि ऐसे मूर्खों को रोका जा सके। He then picked up the fox with his tusks and threw him onto the top of the tree. फिर उसने अपने दांतों से लोमड़ को उठाया और उसे पेड़ पर फेंक दिया। आप इस वीडियो को अन्य विद्यार्थियों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। आप इसे लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिस पर ऑल लिखा है उसे दबाएं ताकि जितने भी हमारे वीडियोस हैं आपको मिलते रहें। इंडियन ग्रामर पीवी स्कूल द्वारा मैथ, ईवीएस फर्स्ट क्लास टू एट क्लास तक सभी वीडियोस आपके लिए इंग्लिश के सही यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। आप वहां से इनको देखिए और लाभ उठाएं। धन्यवाद।